लेंस लॉ के एग्जाम्पल में, इस टाइप के एग्जाम्पल में ये डायग्राम आपको पेपर में गिवन होगा और आपको ये बताना होगा कि इसके अंदर करंट कैसे जा रहा है, इस कॉइल में करंट कैसे इंड्यूस होगा, डायरेक्शन बतानी है, राइट। तो इसके लिए ये मैग्नेट राइट की तरफ जा रही है, जब इसका साउथ राइट जा रहा है सामने वाला फेस क्या डेवलप कर लेगा, साउथ। अगर रिपेल करेगा तो नहीं चाहता कि कॉइल मैग्नेट पास आए, तो यहां पर क्या डेवलप कर लेगा, साउथ। और अगर ये साउथ है तो सोलेनोइड का ये वाला एंड क्या डेवलप कर लेगा, नॉर्थ। सही है यहां तक, जब साउथ आएगा तो ये साउथ डेवलप हो जाएगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा तो ये नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। साउथ पोल डेवलप होने का मतलब करंट आपको कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज है, देखो करंट क्लॉकवाइज है, आपको ये मेंशन करके बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। बहुत लोग लिखेंगे सी से डी, करंट कैसे जाएगा, साउथ पोल से क्लॉकवाइज है और ऐसे बाहर निकलेगा तो करंट कैसे जाएगा, सी से डी। नहीं लिखना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, एमीटर। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सोलेनोइड के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि एमीटर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। तो अगर सोलेनोइड में करंट राइट है तो एमीटर में घूम के कैसे आएगा, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे जाने का मतलब कहां से कहां, डी से सी जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, ये कॉमन मिस्टेक है। तो काफी लोग क्या कहेंगे, ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा, लेकिन एम मीटर में घूम के लेफ्ट आएगा। लेफ्ट आने का मतलब डी से लेके कहां जाएगा, सी। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन क्या मार्क करना है, डी से सी। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या करना है इसमें, क्लियर है। तो ये साउथ पोल पास आएगा, ये साउथ डेवलप करेगा, करंट इसमें क्लॉकवाइज होगा, करंट यहां से घूम के ऐसे आएगा। एक्चुअल में करंट ऐसे आ रहा है, एक्चुअल में इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, पर तुमने एम मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने कि करंट कैसे है, डी से लेके सी तक है, ऐसे आंसर देना है, ठीक है यहां तक। ये वाला कैपेसिटर वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिया था, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं।